आज हम देखेंगे कि आप Google Meet की मदद से ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स कैसे करेंगे। Google Meet बहुत ही पॉपुलर ऐप है। ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स करने के लिए ये ऐप बहुत ही यूजर फ्रेंडली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि Google Meet का सेटअप कैसे करें, कंप्यूटर या लैपटॉप में Google Meet कॉन्फ़िगर करने का सभी प्रोसेस मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। Google Meet का सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर का ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप Google में टाइप करें Google Meet, यहाँ से आप इस वेबसाइट को ओपन कर ले। यहाँ अगर आप कोई क्लास या मीटिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आप मीटिंग को टाइप करके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मीटिंग या क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ स्टार्ट अ मीटिंग में क्लिक करें। यहाँ आप अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर ले। मैंने गूगल मीट पे लॉगिन कर लिया है। यहाँ आप ज्वाइन नाउ में क्लिक करें। मीटिंग स्टार्ट हो चुका है। यहाँ आप देख सकते हैं मीटिंग का लिंक भी क्रिएट हो चुका है। इस लिंक को आप कॉपी करके शेयर कर सकते हैं जिनसे भी आप ऑनलाइन मीटिंग या क्लास करना चाहते हैं। ये मीटिंग कोड होता है, इस कोड को भी शेयर करके आप मीटिंग ज्वाइन करा सकते हैं या क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ आप ऐड पीपल में क्लिक करके जिसे भी आप इस लिंक को शेयर करना चाहते हैं उसके ईमेल पे आप ये शेयर कर सकते हैं। अब मैं अपने मोबाइल पे आ जाता हूँ। यहाँ मैं अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेता हूँ। यहाँ आप टाइप करें गूगल मीट, यहाँ से आप इसे इंस्टॉल कर ले। इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ कंटिन्यू में क्लिक करें, यहाँ अलाउ में क्लिक करें, अलाउ कर दें। यहाँ आप अपने जीमेल आईडी से गूगल मीट में लॉगिन कर लें। गूगल मीट ओपन हो चुका है। जैसे मुझे मीटिंग ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ मीटिंग कोड में क्लिक करता हूँ। यहाँ मैं इस कोड को एंटर कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करें। यहाँ आप आस्क टू ज्वाइन में क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं हमारे कंप्यूटर में एक पॉपअप ओपन हो चुका है। यहाँ से आप इसे डिनाय एंट्री या एडमिट कर सकते हैं। तो मैं इसे एडमिट कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं गूगल मीट से हमारा मोबाइल और कंप्यूटर कॉन्फ़िगर हो चुका है। यह कंप्यूटर में गूगल मीट के कुछ और भी सेटिंग्स है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ प्रेजेंट नाउ में आपको तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है योर इंटायर स्क्रीन। इसमें क्लिक करने से आपका जो भी कंप्यूटर का स्क्रीन है वो स्क्रीन आप गूगल मीट पे शेयर कर सकते हैं। इसमें क्लिक करने से आपका इंटायर स्क्रीन गूगल मीट पे शेयर हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आ विंडो। इसमें क्लिक करने से आप किसी पर्टिकुलर विंडोज को अगर शेयर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है आ क्रोम टैब। अगर आप अपने क्रोम ब्राउजर में किसी पर्टिकुलर टैब को शेयर करना चाहते हैं तो वो आप यहां से कर सकते हैं। गूगल मीट में आपको एक और यूजफुल टूल्स मिलता है कैप्शंस का। यहां से आप अपने मीटिंग्स या क्लासेस में जो भी बोलते हैं उसे ये सबटाइटल बना के आपके स्क्रीन में प्रेजेंट कर देता है। यहाँ से आप अपने कंप्यूटर का ऑडियो और वीडियो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये सेम फीचर आपके मोबाइल में भी होता है। अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस या मीटिंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ मोबाइल में आपको चैट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से आप डायरेक्टली चैटिंग्स भी कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो गूगल मीट का लिंक शेयर किया था उस लिंक से आप गूगल मीट कैसे ज्वाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ईमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मैं इस लिंक में क्लिक करता हूँ। यहाँ से आप इस लिंक को गूगल मीट ऐप में ओपन कर ले। यहाँ ज्वाइन मीटिंग में क्लिक करें।
यहाँ आप देख सकते हैं मीटिंग्स ज्वाइन हो चुका है। तो इसी तरह आप गूगल मीट से ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं। मैंने जूम ऐप से भी ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन मीटिंग्स करने के बारे में बताया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको अभी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।